खबर विदिशा से है, जहां अब डाउनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने मुक्तिधाम पहुंचकर कोरोना काल में मृत हुए लोगों और अब डाउनर्स को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल सदस्यों का कहना है कि जीवित मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारियों ने हमारी मांगों पर गौर नहीं किया, इसलिए दिवंगत आत्माओं से उम्मीद लगाई जा रही है। अप डाउनर एसोसिएशन निरंतर ही MST पुनः प्रारंभ कराने के लिए प्रयास कर रहा था, जिसमें स्टेशन प्रबंधक से लेकर DRM ऑफिस, GM ऑफिस जबलपुर, दिल्ली भी हम लोग गए, सभी जगह आवेदन निवेदन किए, ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। MST चालू की तो केवल मेमो में चालू की, उसके लिए हम वापस उनसे प्रयास कर रहे थे कि पूर्व की तरह MST हमें मिल जाए, जिससे हमारे शहर के हज़ारों लोग जो बेरोजगार हो गए हैं उनका रोजगार जीवन चलता रहे। लेकिन ऐसा लगा कि जो सजग लोग हैं वो हमारी बात को नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं हमारी बात पर ध्यान दे रहे हैं, मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कार्यकारिणी ने तय किया कि क्यों ना जो शहर में हमारे मुक्तिधाम हैं वहाँ पर जाकर प्रार्थना की जाए कि हो सकता है जो दिव्य आत्माएँ वो हमारी बात को जल्दी से अपनी सक्षम तक पहुँचाएँ और हमारी सुनवाई हो। तो आज एसोसिएशन की ओर से यहाँ जो कोरोना काल में दिवंगत शहरवासी थे उनको श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था और उन्हीं से हमने प्रार्थना की है कि हे ब्रह्मलीन देवो, हमारी इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करवाने में आप हमारी मदद करें। विदिशा से खबर है, जहां पर आपको बता दें अनोखा प्रदर्शन सामने आया है, जहां पर रेलवे अप डाउनर्स के एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उन लोगों ने यहां पर अनोखा प्रदर्शन किया है। उन लोगों का कहना है कि जब जीवित जिम्मेदार और जो अधिकारी या नेतागण हैं उन्होंने अगर बात नहीं मानी है तो अब मुक्तिधाम में जाकर यहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया है और प्रदर्शन करते हुए अपनी शिकायत यहां पर दर्ज कराई है। विदिशा का यह मामला सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से अपनी शिकायत लेकर तमाम जो सदस्य हैं एसोसिएशन के वो मुक्तिधाम पहुंचे और इस दौरान अपनी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता भरत श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। भरत जी, रेलवे अप डाउनर्स एसोसिएशन ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है विदिशा में, क्या पूरा मामला है विस्तार से बताइए। देखिए प्राची, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विदिशा से भोपाल के लिए एक बड़ी संख्या में जो अप डाउनर्स एक लंबे समय से अप डाउन करके अपनी नौकरियां करते हैं, कई तरह के बिजनेस करते हैं, बट एक लंबे समय से कोरोना काल के बाद से भी उनको MST जो मंथली पास होता है, इसके लिए ना अधिकारी से लेके विधायक हो, नेता हो, वो हर दरवाजे पर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई समस्या का फिलहाल कोई भी समाधान नहीं हो पाया, जिसके लिए आज मुक्तिधाम पर सभी अप डाउनर्स एसोसिएशन के लोगों ने पहुंचकर एक अनोखा प्रदर्शन करके दिखाया। वहां पर जो मृत अप डाउनर्स हैं उनको एक अपनी एक तरह से एक निवेदन किया कि हमारी आप जो आने वाली मांगे हैं उनको पूरी करें। जी भरत जी, वहीं यहां पर देखा जा रहा है कि एक अनोखा प्रदर्शन इसे माना जा रहा है, किस तरीके से, क्या खास है इस प्रदर्शन में और क्या अनोखी बात इसमें देखी जा रही है? बिल्कुल यही है कि जिस तरह से मंत्री हों, विधायक हों या अधिकारी हों जो जीवित अवस्था में मौजूद हैं, यहाँ पर उन लोगों ने, जब उन लोगों से इनकी निवेदन स्वीकार नहीं किया गया तो अंतिम रास्ता इनके पास यही है निकला कि भाई मुक्तिधाम पहुंचा जाए और मृत आत्माओं से इस तरीके से निवेदन किया जाए। जी भरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हम आपको बता दें विदिशा से खबर है, जहां पर एक अनोखा प्रदर्शन सामने आया है, जहां पर अब जो कर्मचारी है, जो सदस्य है एसोसिएशन के, रेलवे अप डाउनर्स जो हैं उन लोगों ने दिवंगत आत्माओं से उम्मीद लगाई है।